चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बुखार वाले कुछ भर्ती हो रहे, ना कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। बिना माँ बाप के दो बच्चे दोनों बीमार और इतना बुखार चढ़ा और कोशिश नहीं रहती कहाँ पड़े। कितनी मौतें हो गई गाँव? 12-14 मौत हो चुकी जी, ये डेढ़ महीने के अंदर अंदर। कोई घर ये नहीं बच रहा जिस घर में से जो है बेड पे ना हो व्यक्ति। सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली गांव में ये बीनड़ा गांव है जहां पर हमें पता चला है कि पिछले दिनों में यहां पर जो डेंगू से जो स्थितियां बिगड़ी है, जो माहौल यहां का बिगड़ा है, उसके बारे में हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गांव के लोग हैं कुछ, जो हम उनसे बात करेंगे कि गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, किस तरह प्रशासन ने यहां पर काम किया है, क्या हेल्थ कैंप लगाए गए हैं या नहीं, या जो डेंगू की वजह से जिन लोगों के यहाँ घर में मौतें हुई हैं उनकी क्या स्थिति है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये गांव जो है बीनड़ा गांव, रिपोर्ट में है कि सबसे ज़्यादा केसेस डेंगू के इधर देखने को मिले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? क्या नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, ये बताइए गांव में किस तरह की स्थिति है डेंगू को लेकर? जी डेंगू की बहुत बेतुकी बीमारी है, 13-14 तो लिए मर और घर घर बीमार पड़े हैं, पूछो ना, बहुत बुरी हालत है। तो किस तरह की कोई सुविधाएं मिल रही है? सरकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ, डुप्लीकेट दवाई दे दी वहीं नजले वाले थे, वहीं डेंगू वाले थे, कोई खास दवाई नहीं मिली। सुभाष जी, क्या लग रहा है डेंगू की स्थिति क्या है गांव में? ज्यादा गंभीर है जी। तो किस तरह की सुविधाएं कुछ मिल रही है प्रशासन? कोई सुविधा नहीं मिली, स्वास्थ्य केंद्र मतलब बंटी दवाई थी वहीं बैठ कर वटी माई थी बस, और यहाँ कुछ हो गया। तो अभी कितने लोग बीमार है आपके? अभी घर कोई मुश्किल बच रहा होगा जिसमें 2-4 आदमी नहीं बीमार पड़े। वैसे स्वास्थ्य में सुधार तो है कुछ कुछ व्यक्तियों में, लेकिन ठीक से नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इलाज नहीं मिला किसी ने सही तरीके से। सब कोई शामली भर्ती हो रहा, कोई पानीपत हो रहा, कोई मेरठ हो रहा, कोई कराना हो रहा, कोई रोज डेली लवें दवाई, बस ऐसा चल रहा। कई सारी मौतें हो चुकी है डेंगू की वजह से, 14-15 मौत होगी जी। आपका क्या नाम बाबू जी? मेरा नाम ओमकार सिंह है जी। क्या स्थिति है गांव की? जी स्थिति इतनी खराब हो रही है, गांव में कोई सुधार नहीं हो रहा। हर घर में 5-7 बुखार वाले कुछ भर्ती हो रहे, ना कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो क्या कुछ कहीं से कोई मदद आ रही हो या प्रशासन से कोई सुविधाएं मिल रही हो गांव में? जी ना कोई नहीं सुविधा है, ना कोई कुछ नहीं ध्यान दे रहा, कोई भी कोई सुविधा नहीं। कैंप वगैरह लगी हो स्वास्थ्य? जी ना कोई नहीं, कैंप लगाया। क्या नाम आपका? हाँ सर, मेरा नाम सुरेश पाल है। सुरेश जी, गांव की स्थिति बताई जा रही है डेंगू को लेकर, काफी बिगड़ी हालत में है डेंगू है। कैसे काम चला रहे हैं अपना भी? बस ऐसे चला रहे जी, ले दे के इतने संपन्न है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मतलब कोई ध्यान नहीं दे रही। एक दो बार आई भी पैरासिटामोल दे कहीं यार, बस अपना छुट्टी, और ज्यादा उसमें कोई नहीं। कितनी मौतें हो चुकी है? मौतें तो कहीं 10-15 मौतें हो चुकी है। और ये कितने समय में, पिछले कितने समय में ये हुआ? एक या डेढ़ महीने में ही, ज्यादा टाइम नहीं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की? बस यही चाह है जी के, हाँ यही चाह है कि कुछ प्रशासन थोड़ा ध्यान दे और स्वास्थ्य विभाग थोड़ा ध्यान दे भाई, कुछ मच्छर मुच्छर या मतलब इसकी कोई दवा दुआ या कोई पानी पुनी की हो सका, गांव में पानी खराब हो इसकी जांच करी जाए। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं अभी, कोई दवा पवा का? हाँ मच्छरों की वजह से डेंगू हो रहा है। अम्मा जी, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? क्रेश नहीं मेरा नाम। क्या स्थिति क्या है? स्थिति यह है, अगर स्थिति यह है अगर इसमें जिंदगी कुछ नहीं है, नो पता नहीं क्या लाख रपास गांव में तो जा लिया। और भाई बाल भी आवे वो धुम्मा सा छोड़ा बाहर के मच्छर घर में कर गया, खा के बगैर ऐसे ऐसे टंगों के मोटे मोटे सारी रात नो बता बैठे रहे हैं। बहुत सारी मौतें हो चुकी है गांव में? मौत भी होने और भी होंगी, ये भी तो पड़े। तो अभी भी लोग हैं बीमार? हाँ बीमार है, दो तो मेरे ही घर में बिना माँ बाप के दो बच्चे दोनों बीमार और इतना बुखार चढ़ा और कोशिश नहीं रहती कहाँ पड़े। तो कैसे इंतजाम कैसे कर रहे हैं इलाज? कैसे कर रहे हैं? वहाँ जाएं डॉक्टरों का दवा ले। मैं सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं आप या प्राइवेट में? प्राइवेट में सरकारी में क्या है? हाँ वहाँ तो दवाने की भी दवा नहीं, कौन वेरा दे रहा है, कौन वेरा बैठा है सरकारी में? सरकारी वाले तो पूछ गई थी मैं, कुछ भी नहीं। सरकार तो दावे करती है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी कर दी है। सरकार ने यहाँ जाम पूछा करता क्या कर रहा, ये धुम्मा करके और घरों में मच्छर बैठ कर मरवा दिए लोग,
आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशनपाल है जी। किशनपाल जी, क्या लग रहा है गांव की स्थिति? गांव की स्थिति स्वास्थ्य के बारे में बहुत खराब चल रही है जी, लेकिन सरकारी टीम एक दो बार आई यहां और बैठ करके सैंपल लिए हैं, जो 15-20 दिन तक आज तक उनकी रिपोर्ट का ये पता नहीं कि मलेरिया है, डेंगू है या चिकनगुनिया है। मेरी घरवाली खुद बीमार थी, प्राइवेट इलाज कराया, सरकारी वाले आए घर पर टेस्ट करके, और एक दिन मेरे मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से फोन आया कि जी आपकी वाइफ की क्या स्थिति है। मका मर गई, रुड़की भरती थी वो, मका आज 20 दिन बाद आप पता ले रहे हैं, 20 दिन में तो मरीज मर लेगा, तो आप पता ले रहे हैं उस चीज का, अब जा 20 दिन बाद। और रही बात उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके खर्च के बारे में जी, किसान है जो 10-10-5-5 बीघे धरती है, क्रेडिट कार्ड करवा रहे हैं या ब्याज पे पैसा ले रहे हैं तब इलाज करवा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। इलाज आप सरकारी अस्पताल में करा पा रहे हैं? पैरासीटामोल और दूसरी दो टैबलेट देते हैं, बताओ क्या दी, किसी के ग्लूकोज लगवाया हो या कोई टीम यहाँ गाड़ी भेजी हो कि इसने उठा कर भर्ती करा देंगे, कोई स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं है सरकार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी क्या स्थिति है, क्या वहाँ से कोई मदद आ रही है? कोई मदद नहीं, चले जाए वही पैरासीटामोल जी, 4-2 घंटे बैठता होगा शायद वो डॉक्टर भी यहाँ पे। तो कितनी मौतें हो गई गांव? 12-14 मौत हो चुकी जी, डेढ़ महीने के अंदर अंदर। तो इस पर किसी का ध्यान गया, प्रशासन अलर्ट हुआ या कुछ लोग आए? कोई ध्यान नहीं है जी, किसी का कोई ध्यान नहीं है। आपकी तरफ से किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधाएं होनी चाहिए, हॉस्पिटल में बेड भी होना चाहिए, या अगर कोई सख्त बीमार है उसके लिए एम्बुलेंस सुविधा भी होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल में जाए, उसका ट्रीटमेंट सही दवाइयों से ट्रीटमेंट किया जाए, न तो गड़ जाएंगे जी सरकारी हॉस्पिटल में डाल के। इसलिए विश्वास नहीं आता, जब मर जाएगा आदमी ले जाओ उठा के अपने को। स्वास्थ्य के बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। गांव की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, और यहाँ पे जो है पूछो ना, बस इतना बुरा हाल है, और बस मोटरसाइकिल से धुआं करें यहाँ सड़कों से, और जो अंदर की गलियां हैं उनमें नहीं जा पाते हो, उसकी वजह से मच्छर मर नहीं पाते, वहाँ मच्छर जो है घरों में घूमे, और पैसे, आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होगी, इतना पैसा कहाँ से लेकर आए किसान? गन्ने का पेमेंट और यूपी में सभी मिलों का आ गया, यहाँ हमारी मिलों का पेमेंट भी नहीं दे रहे, और किसान कहाँ से लगाएगा पैसा? किसान कहाँ से लगाएगा पैसा? वो इधर उधर से कर्ज उठाएगा तभी लगा पाएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होगी और 10-15 मौत होगी, गांव का बहुत बुरा हाल है। एक आम आदमी कैसे काम चला रहा है ऐसी बीमारी? आम आदमी सर, आम आदमी की तो बहुत बुरी हालत है, क्योंकि जो है कर्ज लेके ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इतना बुरा हाल हो गया यहाँ का। कोई घर ये नहीं बच रहा जिस घर में से जो है बेड पे ना हो व्यक्ति, बहुत बुरा हाल है। अभी भी लोग कह रहे हैं भर्ती है इस गाँव से? हाँ, गाँव से काफी लोग भर्ती है, और बहुत बुरा हाल है यहाँ का, पूछो मत। दोबारा कह रहे, एक बार कैंप लगा था, दोबारा कोई कैंप लगा इधर? कैंप कुछ नहीं सर, वो 2 मिनट के लिए आए हैं और जो है बातचीत करके चले गए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, इस वजह से सब लोग यहाँ जो है दुखी हैं। डेंगू को लेकर सुन रहे हैं कि काफी गंभीर हालत खराब है जी, अब यहाँ देख कर बस अस्पताल में बैठ कर 1-2 घंटा चले जाए जाँच करके, उनके किसी की रिपोर्ट भी ठीक तरह से नहीं मिल पाती, रिपोर्ट किसी ने अब तक सही तरह से नहीं मिली कि उसका ये है, कल ये कह कर चले जाएं कि कल मिलेगी परसों मिलेगी, किसी ने आज तक रिपोर्ट मिली नहीं। यहाँ मच्छर भी है, स्प्रे हो लिया यहाँ 2-3 बार, मच्छर गाड़ों से निकल के घरों में पहुँच गए, घरों में और ज़्यादा हैं, उस धुम्मे से कोई यहाँ प्रभाव नहीं पड़ा। हम जिला शामली के बीनड़ा गांव में थे, जहां पर हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस गांव में डेंगू को लेकर बहुत सारी मौतें हो चुकी है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, इसी की छानबीन करने हम गांव पहुंचे थे, और हमने लोगों से बात करके जानने किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, किस तरह के स्वास्थ्य कैंप यहाँ लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि डेंगू को लेकर यहाँ पर काफ़ी लोग बीमार हैं और गाँव की बहुत बुरी स्थिति है। चलचित्र अभियान से जुड़े रहे, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद।